हम मेद धातु यह टॉपिक देख रहे थे। मेद धातु टॉपिक में हमने पिछली बार ये देखा था कि मेद धातु का जो मूल स्थान है रुक, वो उसका मूल स्थान किस प्रकार से माना जाता है, क्यों माना जाता है। उसके बाद उसके पांचभौतिक संगठन, उसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति का काल, गुण, उसका अंजलि प्रमाण और उसके कार्य, और लास्ट में उसका जो कफ दोष के साथ आश्रय आश्रय संबंध होता है वह। इतने पॉइंट हम देख चुके हैं, 14 पॉइंट हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं 15वां पॉइंट, 15 पॉइंट, मेद धातु की सारता। ओके, तो मेद धातु की सारता में हम जैसे पिछले ही लेक्चर में कह दिया था मैंने कि दोनों संहिताओं के अनुसार हम देख लेते हैं, चरक संहिता के अनुसार और शुश्रुत संहिता के अनुसार। तो सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार देखते हैं। चरक संहिता में मेद धातु सारता की जो लक्षण है उसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 8/106, चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय का 106वां श्लोक। इसमें उन्होंने कहा है कि वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुषेषु विशेष स्नेहो मेदह साराणाम सासारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रतनन्य आरजवम सुकुमार उपचारताम चाचष्टे। ओके, तो इसमें दो लाइन आई है। दो लाइन में जो पहली लाइन में उन्होंने शारीरिक गुणों का वर्णन किया है सार्थक के, और जो सेकंड लाइन है उसमें जो मानसिक लक्षण होते हैं मेधातु सार्थक के उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले शारीरिक लक्षण देखते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जो वर्ण होता है, वर्ण का मतलब यहाँ पे वर्ण का जो मतलब है वो काला गोरा इस प्रकार से नहीं है कि जो आभा होती है व्यक्ति की, तो ये उस वर्ण के बारे में नहीं कहा गया है कि इस कलर का ये रहता है उस कलर का। ऐसा हो सकता है कि जो काले वर्ण का रहे वो कृष्ण तो उत्पन्न होता है वात की रुद्धि के कारण, लेकिन वो मेदसार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने जो वर्ण शब्द मेद धातु की सारता में बताया गया है ये वर्ण यूज किया गया है तेज के लिए। ओके, तो जो व्यक्ति होता है वो फिर गोरा हो या काला हो, उसका जो उसकी जो आभा रहती है, उसका जो ग्लो रहता है, उस वर्ण के बारे में यहाँ कहा गया है। तो ये बातें याद रखें कि मेद धातु सार वाले पुरुषों में वर्ण, उसके बाद कहा है स्वर। जब पूरी लाइन एक बार देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है इन थिंग्स में वो देखेंगे। तो इन व्यक्तियों का जो वर्ण रहता है स्वर रहता है, नेत्र रहते हैं, केश रहते हैं, लोम रहते हैं, नख रहते हैं यानी नाखून, दंत दांत, ओष्ठ मूत्र तथा मल में विशेष करके स्निग्धता होती है। ये स्निग्ध होते हैं इसका मतलब क्या होते हैं? तो जैसे वर्ण कहा गया है तो व्यक्ति का जो की जो आभा रहेगी वो तेज रहेगी, स्वर रहता है तो स्वर भी ऐसा रहेगा कि उसमें स्निग्धत्व रहेगा। वर्ण का स्निग्धत्व तो समझ में आ सकता है, ग्लो रहेगा। स्वर का स्निग्धत्व क्या होता है? स्वर का स्निग्धत्व ऐसा होता है कि उसकी जो बोलने की
तो जो वॉइस होता है, जो स्वर होता है वो मधुर रहता है, सुनने को अच्छा लगता है। जितने भी सिंगर रहते हैं जिनके स्वर कोमल होते हैं, ओके, मैं जो हार्ड सॉन्ग वाले रहते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया, उनकी बात नहीं कह रहा, जो सॉफ्ट सॉन्ग वाले होते हैं लाइक सोनू निगम वगैरह जो है, तो जितने भी ये सॉफ्ट सॉन्ग वाले हैं, अरमान मलिक वगैरह, तो इनका जो वॉइस है इनमें एक प्रकार का स्निग्धत्व है, हमें वो सुनने में अच्छे लगते हैं। तो वो लोग मुख्यतः जो सिंगर होते हैं इस प्रकार के, जिनका कोमल स्वर होता है, वो मेध धातु का उनका स्वर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार का उनका स्वर रहता है, ओके। उसके बाद नेत्र, नेत्र में भी एक प्रकार का तेज रहेगा, स्निग्धत्व रहेगा। केश यानी बाल, लोम यानी स्किन के ऊपर के जो बाल होते हैं वो। उसके बाद नाखून, दंत, दांत अच्छे चमकीले रहेंगे। उसके बाद ओष्ठ, ओके, तो हम देखते हैं कि पित्त वात प्रकृति के व्यक्ति में फटे फूटे ओट रहेंगे, उसमें स्निग्धत्व कम रहेगा। तो इनके ऐसे नहीं होते, इनके प्रॉपर पिंकिश और स्निग्ध होने के कारण उसमें फटाफट नहीं रहेगा। उसके बाद मूत्र और मल के बारे में भी कहा गया है कि वो स्निग्ध होते हैं, तो मूत्र और मल का स्निग्धत्व रहता है। इसका मतलब जब मूत्र और मल पास होते हैं शरीर के बाहर तो उस वक्त पेन नहीं होगा, तो इजीली पास आउट हो जाएंगे, मूत्र हो या मल हो, इजीली बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी। मैंने इसके पहले आपको बहुत बार बताया है कि जो व्यक्ति के केश होते हैं, नेत्र होते हैं, त्वक होती है, नाखून होते हैं, उसके बाद मल होते हैं, यहाँ पे दो मल आए, मूत्र और जो पुरुष मल है उसके बारे में बताया गया है, तो ये व्यक्ति के शरीर के आईने होते एक प्रकार से। इनका जिस प्रकार से संगठन होता है, इसकी जिस प्रकार से आभा होती है, त्वक है, इसमें केश है, लोम है, नाखून है, दंत है, ये सभी चीजें हमारे इंटरनल फिजियोलॉजी के एक्सटर्नल व्यूअर के लिए मिरर होते हैं। एज एन डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के देखने के लिए ये उसके पैरामीटर्स होते हैं। आप अष्टविध दशविध परीक्षा नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो आपको ये बातें पता चलेगी। तभी मैं इतना बता देता हूँ कि इसके ऊपर से मैं बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई है ये मेदसार व्यक्ति में सारवान होते हैं दिखने में। तो हमें दृष्टि द्वारा ये चीज़ें दिखती है और कुछ हमें स्पर्श द्वारा समझता है, जैसे त्वक है तो उसका स्निग्धत्व हमें टच से पता चलेगा, और क्वेश्चनिंग से हमें मलमूत्र इसकी स्निग्धता पता चलेगी, ओके। तो ये जितने भी बताए गए हैं ये शारीरिक उसके सार्थक के लक्षण है। उसके बाद उन्होंने सेकंड लाइन में कहा है कि सा सारता वित्त, वित्त का मतलब होता है पैसा। उसके बाद उन्होंने सेकंड वर्ड कहा है कि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होगा कि सुख, जो साधन होते हैं सुख साधनों से युक्त, ऐश्वर्य सुख, आगे वो ये है जिसे कहा जा सकता है कि वो कहते हैं ऐश्वर्य लाइफ, यानी ज्यादा कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी सब कुछ है, ओके, पीढ़ियों से जिस प्रकार से मिलता है।
देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है। सुख उसके बाद कहा है उपभोग। उपभोग का मतलब सभी चीजों का अच्छे से उपभोग करने वाला। चतुर्थ पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें मोक्ष तो बाद की बात होगी, लेकिन धर्म अर्थ काम इसका उपभोग कह सकते हैं। उसके बाद कहा गया है दान करने वाले, दानी होते हैं ये लोग। उसके बाद कहा है कि सरलता, सरल होते हैं, मतलब इनके मन में कुछ नहीं होता है, जो इंटरनल होता है वही एक्सटर्नल होता है। और लास्ट कहा है कि सुकुमार उपचारता। सुकुमार उपचारता इसका मतलब होता है कि जो चिकित्साएं होती है चेष्टे सुकुमार उपचारता की सूचना की गई है। इस अर्थ में जो उपचार होते हैं जिसमें कष्ट होता है, जैसे शल्य चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, ये जो होते हैं। शल्य यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, क्षार यानी आप फाइनल ईयर में देखोगे कि क्षार द्वारा चिकित्सा की जाती है। स्पेसिफिकली एनल रीजन की जो ऑपरेटिव होते हैं उसमें जो फिस्चुला होता है उसको, उसके लिए क्षार चिकित्सा की जाती है। उसके बाद फिर अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा मतलब अग्नि देकर जो हम चिकित्सा करते हैं। तो है आपको ये भी सुश्रुत संहिता में ही बताया गया है, ये फाइनल ईयर में आपको शल्य में ही आएगा कि अग्नि चिकित्सा कहाँ कहाँ दी जाती है। अग्नि कर्म करके एग्जाम्पल बताऊँ तो जो कदर होता है, यानी उसको कहेंगे जो कदर का मतलब होता है कि पैर में कड़ी सी स्किन हो जाती है, उसको कदर कहा जाता है। तो उसको जला के हमें नष्ट करना होता है। तो इस प्रकार की चिकित्सा जो होती है ये कष्टदायक चिकित्सा होती है। ओके, और इस कष्टदायक चिकित्सा का इन व्यक्तियों में न करने की सूचना की गई है। अब इन व्यक्तियों में चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिए? ये चिकित्सा इन व्यक्तियों में इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति इस प्रकार की चिकित्सा में होने वाला जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो ये लोग सह नहीं पाते। प्रेजेंट कंडीशन में तो हम एनेस्थीसिया देके ऑपरेटिव कर लेते हैं। ओके, लेकिन ये क्षार चिकित्सा और अग्निकर्म जो होते हैं ना, ये लोग ज्यादा नहीं सह पाते क्योंकि इनमें वो सहने के लिए जो बल होना चाहिए वो टेंडेंसी नहीं होती है। ये हम इसके पहले के जो लक्षण बताए हैं ना उसके ऊपर से समझ सकते हैं कि वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग, ये जो व्यक्ति होते हैं ये गुण हमें मुख्यतः जो लोग श्रीमंत होते हैं, ओके, अमीर होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार के सुख साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई राजा होता है वो पीढ़ियों से श्रीमंत रहता है, खुद होके नहीं हुआ है, पीढ़ियों से रहता है। इस प्रकार की जो लोग होते हैं वही मुख्यतः मेदसार पाए जाते हैं। ओके, इसीलिए जो ऊपर के भी लक्षण बताए शारीरिक सब स्निग्ध स्निग्धत्व है। क्यों है? क्योंकि आहार ग्रहण करने के लिए, उसके बाद आलेपन करने के लिए किसी प्रकार की चीजों की कमतरता ही नहीं है, तब जाके इस प्रकार की सारता उत्पन्न होती है। कोई लक्षण मिल जाते हैं अगर इसमें, लेकिन सभी प्रकार की जो ये वर्णन कहा गया है स्निग्धत्व का, वो अमीर लोगों में ही पाया जाएगा। इसीलिए सेकंड लाइन में उन्होंने जो मानसिक लक्षण कहा है उसमें वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग ये और दान कहा गया है। सरलता एक अलग सा आया है इसमें कि उनका कहना होता है कि ये लोग सरल होते हैं,
में सरलता के अनुसार। और लास्ट में कहा गया है कि जितनी भी चिकित्सा बताई गई हो होती है जिसमें कष्ट होता है वो व्यक्ति नहीं कर पाते। एक वर्ड छूट गया था, आर्जव। आर्जव की बात आता है सुकुमार उच्चार। तो चेष्टे आर्जव का मतलब होता है नम्रता, नम्रता का मतलब होता है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस, ये जो लोग होते हैं इनमें पोलाइटनेस होता है, मतलब जो भी कहेंगे वो बड़े ही अदब से कहेंगे कि ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसका देखना हो तो आप जो लोग मारवाड़ी जो लोग होते हैं जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ अगर इसको कोरिलेट करोगे तो टोटल कोरिलेशन इनका होता है। स्निग्धता भी पाई जाएगी, ओके, बाकी जो चीज़ बताई गई है वो भी पाई जाएगी, सुकुमार उपचारिता भी पाया जाएगा। और जिस प्रकार से वो कोई भी चीज़ है उसको बेचने के लिए उनका नम्रता पूर्वक आग्रह होता है कि आदमी उसे टाल ना पाए, तो ये सभी प्रकार के लक्षण वहाँ पे मिलते हैं। और वो लोग देखा जाए तो जाएगा तो मुख्यतः आमिर भी होते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें चरक संहिता के अनुसार मेध धातु संरचना में मिलते हैं। अब मेध जो होता है वो गुरु होता है, गुरु होता है यानी उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है। तो याद रखना इन व्यक्तियों में ऊंचाई की तुलना में उनकी हाइट के कंपैरिजन में उनका जो वेट रहता है वो ज्यादा रहता है। हम अगर मॉडर्न पैरामीटर से अगर देखा जाएगा तो जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो हमारे बोन का होता है। तो हाइट अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली उसका वेट भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट के कंपैरिजन में इनके शरीर की मोटापा ज़्यादा होता है। तो ये फैटी पर्सन्स होते हैं और उनमें जो वेट होता है वो मांस और मेद धातु की वजह से होता है। मांस और मेद साथ साथ में ही रहते हैं, मुख्यतः ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर इसका उल्टा किया गया, मतलब अगर वेट कम किया गया, स्निग्ध आहार कम दिया गया, इस प्रकार की अगर रचना की गई तो सारता बदली जा सकती है। मेदसार व्यक्ति मेद असार भी हो सकता है, दो कारणों से, अगर उसको किया जाए या उसके विरुद्ध में ऐसा हो गया तो हमें मेद सारता की कंपैरिजन मेद असार भी हो सकते हैं। एक चीज होती है कि प्रकृति जो होती है, तो व्यक्ति की प्रकृति जो होती है वो कभी बदलती नहीं है, प्रकृति जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन सारता बदली जा सकती है, तो ये सारता चेंज हो सकती है। अगर मेद सारता को टिकाए रखना है तो उसके लिए क्या आहार तथा विहार करने चाहिए? ओके, तो मेद सारता टिका के रखने के लिए सिंपल थिंग्स है, दो पॉइंट्स ही देखेंगे हम, ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे इसको। सबसे पहला पॉइंट है जो आहार होता है, वो आहार में गुरु स्निग्ध व मधुर रसात्मक आहार। ओके, गुरु और गुरु यानी जो हेवी है, जो वेट बढ़ाएगा, ऐसा आहार स्निग्धता होनी चाहिए। और मधुर रसात्मक जो होता है वो कफ को बढ़ाता है, तो मधुर रसात्मक आहार ये मेदसार आहार होता है। और सेकंड पॉइंट जो आएगा वो विहार आएगा, विहार में एक्सरसाइज का ना करना। ओके, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और इस प्रकार का आहार रहेगा तो अपने आप ही उसकी मेदसारकता जो है वो टिकी रहेगी। नॉर्मली इस व्यक्ति ने सौम्य मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर सौम्य मात्रा में एक्सरसाइज करेगा तो इसका मेद जो है वो हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और हेवी एक्सरसाइज करेगा तो मेद असर हो जाएगा और ये व्यक्ति हेवी एक्सरसाइज को सह नहीं पाएगा, थक जाएगा ये। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है।
उसके बाद ये जो लक्षण लिखे थे हम शुरू चरक संहिता के अनुसार देखे थे, उसके बाद के जो लक्षण हैं वो हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन जो आया है वो आया है सुश्रुत सूत्र स्थान के अध्याय 35/18, सुश्रुत सूत्र स्थान 35/18। इसमें उन्होंने बताया है, शॉर्टली डिस्क्रिप्शन है इनका, इनका उतना लॉन्ग नहीं है। इनका कहना है कि स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम बृह शरीरम आयासम सहिष्णुत्वम मेदस। मतलब इनका कहना है कि मेदसार व्यक्ति की जो मूत्र होता है, ओके, उसके बाद स्वेद होता है और स्वर जो होता है वो स्निग्ध होता है। तो मूत्र और स्वर इसके पहले आ गया था। यहाँ पे उनका कहना है कि स्वेद स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी इनकी ये है कि उन्होंने स्वेद मल को भी कहा है कि वो कैसे होते हैं, स्निग्ध होते। तो एक स्पेशल पॉइंट है सुश्रुत संहिता के अनुसार कि उन्होंने स्वेद भी कहा है, उसमें स्निग्धत्व होता है। और बाद में कहा है शरीर भारी होता है, गुरुता होती है इसी कारण, और परिश्रम में असहिष्णुत्व इनटॉलरेंस, ये परिश्रम नहीं कर पाते, सहिष्णुता नहीं होती है, अक्षम होते हैं परिश्रम करने में। जिस प्रकार का इसके अबो का वर्णन आया उसके ऊपर सब समझ गए होगे कि इन ये व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो इतना ही सुश्रुत संहिता में उसका वर्णन कहा गया है। बृहत शरीरम आयास अशेषण, यानी बड़ा शरीर होता है और सहिष्णुता नहीं होती किसी भी प्रकार का परिश्रम करना। तो वो शॉर्टली डिस्क्रिप्शन में ये भी देख लीजिए कि परिश्रम में उन्होंने असहिष्णुत्व वर्ड डाला है। तो दोनों चीजें इसमें शारीरिक और मानसिक भी, ज्यादा मानसिक तनाव अगर लेंगे तो उसका भी इनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो इस प्रकार की कोई डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो ये दोनों भी लेने में अक्षम होते हैं, शारीरिक हो या मानसिक। अब इससे रिलेटेड एक मॉडर्न का पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। जो मेदसारता होती है उसको मोटापे के साथ कोरिलेट किया जाता है, और मॉडर्न के अनुसार जो मोटापा होता है वो बीएमआई से कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज द बीएमआई? तो बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड मास मीन द वेट, द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड वेट व्हेन कैलकुलेटेड द इंडेक्स इज क्रिएटेड, दैट इंडेक्स शो द पर्सन इज फैटी और नॉट। ओके, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। अपीयरेंस के अनुसार अगर व्यक्ति मोटा है तो उसकी हाइट उसके अनुपात में योग्य है या नहीं वो हमें बीएमआई बताता है। तो व्हाट इज द फार्मूला बीएमआई? तो बीएमआई का फार्मूला होता है बीएमआई इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजीज। व्हेन वी कैलकुलेट द बीएमआई, बॉडी वेट एंड गेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वेयर। हाइट टेक इट इन मीटर्स एंड दैट इज स्क्वेयर। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ बी एम आई, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वेयर। फॉर योर कन्वीनियंट 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। यू विल कैलकुलेटेड योर वेट एंड हाइट एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर ओन बी एम आई। तो एक नॉर्मल रेशियो है वो यहाँ पे देखते हैं।
कि किससे फैटी कहा जाता है और किससे फैटी नहीं कहा जाता है। तो ये आपके समझने के लिए, आपको फार्मूला याद रहा उतना ही ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि BMI जो होता है वो अगर वेट के साथ कोरिलेट करे तो किस प्रकार से मिलता है। तो दो कॉलम में हम देखते हैं कि 18 से कम, 18 से कम अगर BMI मिलता है तो वजन जरूरत से कम है, द वेट इज लेस कंपेयर विद नीड ऑल्सो, जरूरत से भी उसका वेट जो है वो कम है। सेकंड है 18 to 24.9, 18 से लेके 24.9 वजन ऊंचाई के प्रमाण में है। इट इज मीन्स दैट इज द आइडियल वजन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेट हाइट है, दैट इज द आइडियल। देन इट्स मीन्स 18 to 24.9, दैट इज द आइडियल BMI, दैट इज योर MCQ क्वेश्चन में भी, व्हाट इज द आइडियल BMI, एंड यू कैन यूज फोर ऑप्शंस एंड इन विच दैट द 18 to 24.9, दैट इज द आइडियल BMI। देन नेक्स्ट 25 to 29.9, इट्स मीन्स द वेट इज मोर देन नीड, वजन ज्यादा होता है। 25 से 29.9 जो होता है इसमें वजन ज्यादा होता है। ओके, तो ये हेवी की तरफ आएगा। उसके बाद है 30 से 39.9, इसको कहते हैं स्थूलत्व, दैट इज अ मोटापा। तो ये स्थूलता की तरफ आएगा, तो दैट इज अ फैटीनेस। ओके, नेक्स्ट है 40 के आगे, अबो देन 40, 40 के आगे, 40 के जो आगे होता है उसको कहते हैं प्रचंड स्थूलता। इसका मतलब होता है दैट इज द हेवी फैटीनेस, लाइक सुमो पहलवान्स एसेट्रा, उनका जो BMI होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उसमें आ जाएगा कि अबो देन 40। हियर ऑल्सो डिसाइड फॉर पर्सन्स आर वी कैन गेट दैट इज द हेवी BMI। तो ये क्राइटेरिया BMI का हमने इसलिए देखा क्योंकि ये जो होता है BMI ये इंक्रीज किसके वजह से होता है, तो मेथ की वजह से होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा था। तो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ दो बातें ही याद रखनी है MCQs में, या फिर वायवाज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ BMI एंड व्हाट इज द आइडियल BMI एंड व्हाट इज योर BMI, यू मस्ट बी काउंट योर सेल्फ BMI, दैट इज कैन बी आस्क इन वायवाज और एज एन GK, देयर फॉर यू कैन मस्ट बी काउंट योर BMI। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है 16वां पॉइंट वो है मृत धातु की उपधातु। इसका जो रेफरेंस है वो है चरक चिकित्सा स्थान 15/17, चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं भेजने वाला हूं नहीं, इसमें सिर्फ दो वर्ड है, मेदसहा स्नायु संभव, मेदसहा स्नायु संभव, मतलब मेद धातु का जो उपधातु होता है वो स्नायु होते हैं। ओके, इसके पहले हमने देखा था कि जितने भी आए हैं रक्त मांस इसमें दो दो थे उपधातु, लेकिन यहाँ पे चरक संहिता के अनुसार इसका जो उपधातु है
वो एक ही है स्नायु, दैट इज अ लिगामेंट, दैट इज उपधातु। नेक्स्ट 17 17 का पॉइंट है मेद धातु का मल। मेद धातु के मल कौन से हैं? तो मेद धातु के जो मल होते हैं वो उसके बाद का ही श्लोक है, चरक चिकित्सा स्थान 15/18, चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। ओके, स्वेदस्तु मेदसहा, स्वेदस्तु मेदसहा, ये भी मैं भेजूंगा नहीं, देख लो क्योंकि दो वर्ड्स हैं ओनली। स्वेदस्तु मेदसहा मतलब मेद धातु का अगर कोई मल है तो वह स्वेद। ओके, तो इसके जो हमने अभी सार्थक के लक्षण देखे हैं, सार्थक के लक्षण में हमने देखा था कि इन व्यक्तियों का जो स्वेद होता है वो स्निग्ध होता है। इसके पहले हमने देखा था कि जो मेदसार व्यक्ति होते हैं उनमें स्वेद की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये दैट फैट इट इज द लेयर इनसाइड द स्किन ऑन द ऑर्गन आल्सो, द लेयर क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एंड लाइक वर्क लाइक एन इंसुलेटर फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल फीचर्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हजार्डस थिंग्स लाइक एनी आघातज थिंग्स लाइक आगंतुच जो होता है, निजोर आगंतुक होता है तो बाहर से अगर कोई आघात होता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। एंड इनसाइड द ऑर्गन जैसे ये होता है सिक्रीशंस होते हैं, एसिडिक सिक्रीशंस वगैरह होता है तो ये प्रोटेक्शन करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, लाइक स्टमक में सिक्रीशंस होता है, एसिडिक सिक्रीशंस होता है, ड्यूडेनम में जो अल्कलाइन सिक्रीशंस होता है तो उस सिक्रीशन से प्रोटेक्शन करता है ऑर्गन की। ओके, तो वो स्निग्धत्व इसके कारण होता है और इसी के कारण हम तो मल दिख रहे थे। तो ओके, तो मल इस प्रकार का जो स्निग्धत्व होता है जब इस ये इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में मेद होता है, जितनी लेयर चाहिए उससे ज्यादा होती है, उस वक्त जो मेद होता है उसके वजह से स्वेद बढ़ जाता है। ओके, तो ये जो स्वेद जो होता है, जो स्वेटिंग जो होती है, ये इसका मल है। इतना ही आपको याद रखना है। अब काफी डिटेल हो गया, इसके बाद के जो पॉइंट है वो मेद धातु की वृद्धि और क्षय, दैट इज द लास्ट पॉइंट इन मेद धातु, जिसमें बताया गया है कि उसकी विकृति जो होती है मेद की वो दो प्रकार से होती है, एक होती है वो होती है उसकी वृद्धि होने से और दूसरी होती है उसका क्षय होने से। ओके, तो वी कैन ओनली स्टार्ट अप दिस पॉइंट बट कंक्लूडिंग एंड कंप्लीट टू नेक्स्ट लेक्चर। हम अभी के लिए इतना देख लेते हैं कि 18 नंबर पॉइंट 18वां पॉइंट मेद धातु की विकृति, उसमें सबसे पहले देखेंगे मेद वृद्धि के कारण, मेद वृद्धि के क्या कारण होते हैं। मेद वृद्धि के कारण जो होते हैं, सबसे पहला कारण बताया गया है कि अति मात्रा में गुरु मधुर व स्निग्ध आहार सेवन करना। तो ज्यादा मात्रा में जब गुरु, जिसमें गुरुत्व होता है, हेवी थिंग्स, मधुर मधुर रसत्व और जो स्निग्ध आहार होते हैं, ओके, तो इस प्रकार का अगर आहार खाएंगे ज्यादा मात्रा में तो मेद की वृद्धि होगी। सेकंड थिंग है कि
व्यायाम या शारीरिक श्रम, ओके, एक्सरसाइज एंड इज डिफरेंस एंड श्रम इज डिफरेंट, लाइक जो हेवी वर्कआउट होता है ना वो श्रम में आ जाएगा, ओके okay? तो ये दोनों भी जो वो लोग अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते और किसी प्रकार की शारीरिक वर्कआउट भी जिन लोगों के नहीं होते हैं या नहीं करते हैं, तो उनमें मेद वृद्धि हो जाती है। थर्ड थिंग है मानसिक तनाव न होना या मानसिक तनाव न लेने की प्रवृत्ति, ओके तो अब यहाँ पे पॉइंट आया है मानसिक तनाव न लेना या ना लेने की प्रवृत्ति। तो ये होगा टेंशन प्रेशर, तो टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो टेंशन लेना चाहिए क्योंकि टेंशन नहीं लेंगे तो जो काम है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन टेंशन जो होता है वो एक लिमिट तक लेना चाहिए। लिमिट के अबो अगर टेंशन आप लेते हो दैट इज हजार्डस, तो इतना टेंशन आपने लेना चाहिए कि जो वर्कआउट है वो वर्कआउट हमने कंप्लीट करना चाहिए, जो टारगेट होता है वो टारगेट हमने कंप्लीट करना चाहिए विद ऑल्सो सी अवर हेल्थ थिंग्स ऑल्सो, कि इतना प्रेशर हमने लेना आवश्यक होता है कि हम अपना काम कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। उसके ज़्यादा अगर आप टेंशन लोगे तो वो मानसिक विकृति निर्माण करता है, और मानसिक विकृति निर्माण करके स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी इस प्रकार के डिसीज क्रिएट कर सकता है, और उससे हाई बीपी, डिप्रेशन जैसी चीजें आ जाती है और वो विकृति कारक उत्पन्न होती है, ओके तो इतना आपके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपके ऊपर के, अगर आप इतना टेंशन लोगे कि हमें अपनी पढ़ाई करनी है, वक्त के वक्त पर अगर नोट्स करनी है, उस श्लोक याद करने हैं, पटर मिस्ट पढ़ना है, तो वो टेंशन आपके काम का है, क्योंकि आप अब अभी टेंशन लेके अगर वो वर्कआउट करोगे तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी, ना एग्जाम के ऊपर परेशानी होगी, ना आगे के इयर्स में परेशानी होगी समझने में, ना फ्यूचर में जब काम करोगे एज ए डॉक्टर या फिर वट एवर मे भी इन दिस फील्ड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे और नॉट एट ऑल टेंशन। बट अगर छोड़ दोगे कर लेंगे आखिरी के महीने में करोगे, दिन का रात रात के दिन करके, तो वो ओनली फॉर एग्जाम रहेगा, एग्जाम होने के बाद वो वॉश आउट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज उलट है, वो ज़्यादा दिन दिमाग में नहीं रहेगा तो वो आगे काम में नहीं आएगा, और हो सकता है कि हो भी ना, किसी का हो जाता है किसी का हो भी ना, तो वो जो होता है वो मानसिक तनाव आपके हेल्थ के ऊपर इल इफेक्ट करता है। इसीलिए तनाव होना चाहिए, प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन इतना जो वर्कआउट को क्लियर करने में सहायभूत होता है, इस प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए कि जिसके वजह से किसी प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति हो, ओके तो इसीलिए वक्त पे वक्त अगर अपना हम कर्म करते हैं तो उस प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होती है। टेंशन होना चाहिए वो ऐसा कंस्ट्रक्टिव कि अगर समस्या आ गई है तो समस्या का समाधान ढूंढिए, अगर समस्या का समाधान आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर क्या होगा, ओनली टेंशन, क्या करेंगे ये मत करो, आप उसका समाधान ढूंढिए। अभी का रिसेंटली एग्जाम्पल के
डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होती है। ओके मैं जो कंडीशन अभी हुई है उसी के बारे में कह रहा हूँ। तो जो तनाव होता है वो इतना होना चाहिए कि अपना वर्कआउट हो, ना कि उसकी वजह से कोई व्याधि उत्पन्न हो। दैट इज द सम आर रीजंस दे आर क्रिएटेड मेधा विकृति मेध वृद्धि। ओके नेक्स्ट पॉइंट्स आर मेधातु वृद्धि के लक्षण, मेद क्षय के कारण, मेद क्षय के लक्षण। तो ये जो चीज़ें होती है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फैट की वजह से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपको भी पता है कि प्रेजेंट कंडीशन में बहुत है और आगे भी वो आएगी, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कंप्लीट जो पॉइंट है इसके आगे का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब तक का पार्ट आपको समझ गया होगा, इसके रिलेटेड जो श्लोक आए उपधातु और मल के श्लोक छोड़ के मैं आपको सेंड करूँगा, समझ लो।